हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ नोनी ड्रीम गर्ल टाल के बारे में। ये मोर फ्रेशनेस देने वाला पाउडर है गाइस। उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही शेयर कर दे और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि अगले आने वाले आप मेरे सारे वीडियो से अपडेट रहेंगे और बिना मिस के आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप के, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये नोनी ड्रीम का जो टाल्क है बहुत ही पुराना पाउडर है, जो कि आपके दादी नानी इसको लगाई होंगी और मुझे बहुत टाइम से इसकी खोज थी। ये मेरी मम्मी का ये पाउडर है, मेरी नानी का ये पाउडर है, तो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ और उसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी मार्केटिंग प्राइस जानेंगे कि आपको मार्केट में कितने प्राइस पर मिल जा रहा है। फ्रेंड सबसे पहले इसकी मार्केटिंग प्राइस जानेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे MRP 14 रुपीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी 50 ग्राम यहाँ पे लिखी हुई है, इसका जो वेट है वो 50 ग्राम है। फ्रेंड्स यहाँ पे टैल्कम पाउडर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखा गया, मेड बाय मेहता कॉस्मेटिक इंडिया। ये मेहता कॉस्मेटिक द्वारा बना हुआ है इंडिया में। सिटी कोड यहाँ पर मैंसन की गई है, MI नंबर सब कुछ यहाँ पर मैंसन, इसके नेट वेट, इसके MRP यहाँ पे INC ऑफ ऑल टैक्सेस लिखे हुए हैं। इसके मतलब 40 रुपीज़ में ऑल टैक्सेस के साथ, मतलब कोई 14 रुपीज़ में मिल रहा है। मैन्युफैक्चर डेट यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है गाइस। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मैन्युफैक्चर डेट यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन इसके जो मैन्युफैक्चर डेट थे वो एक्सपायरी डेट ये लिखा हुआ नहीं है इस पर, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बात करते हैं फिर इसके पैकेजिंग के बारे में, तो सब बॉक्स का जो कलर है वाइट एंड पिंक है, ये बेबी पिंक कलर का है। फ्रेंड्स इसकी पैकेजिंग बिल्कुल पॉन्ड्स पाउडर की तरह है, ये लग रहा है कि एकदम पॉन्ड्स का डुप्लीकेट है। उस तरह से इसकी पैकेजिंग है, छोटू पैकेजिंग है, जिस कलर का ये पॉन्ड्स आता है वाइट एंड पिंक का, उस तरह की इसकी स्वीट सी पैकेजिंग है। ये आगे पीछे सेम कलर का दिख रहा है, ये आगे का साइड है। कुछ देर पहले मैंने मैन्युफैक्चर डेट दी सब कुछ दिखलाया आपको, पीछे का साइड था इसका लीड है जो कि पिंक कलर का है। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आप मार्केट में इसको कहाँ से लोगे, तो गाइस ये कॉस्मेटिक स्टोर पे अब मिल जाएगा आपको। कहीं पे मैंने नोनी ड्रीम कर्ल टाल्क देखा था लेकिन मुझे ये इतना श्योर नहीं है कि आसानी से आपको मिल गया कि नहीं, क्योंकि बहुत पुराना ये पाउडर है, तो हो सकता है कि आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर ये ऑनलाइन मिल सके। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस पाउडर के बारे में। गाइस ये जो पाउडर है वो आपके स्किन को ग्लोइंग बनाने में, चमक प्रदान करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल पॉन्ड्स पाउडर की तरह है। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ऐसा लगता है कि ये पॉन्ड्स का डुप्लीकेट है। जैसे अब पॉन्ड्स काफ़ी नामी गामी जैसे चल रहे हैं, वैसे पहले ये ड्रीम गर्ल टाल्क काफ़ी फेमस पाउडर हुआ करते थे, ऐसा मेरी नानी, अब मतलब बहुत लोगों ने सुना, मैं जैसे कि पुराने लोगों से मैंने सुना कि काफ़ी अच्छा पाउडर है, काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में ही आपको 14 रुपीज़ में ये उस समय मिल रहा था। और गाइस आपको स्किन को काफ़ी अच्छा करें, जैसे गर्मियों में हमारा स्किन जो कि पसीने से चपचप होने लगते हैं, उस तरह ये पाउडर हमारे स्किन को काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उस समय अपने फेस पर लगाएंगे तो फेस एकदम सूखा लगेगा, चिपचिपा नहीं फील होगा, अच्छे से हम अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लेंगे। फ्रेंड आप कहीं पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, फाउंडेशन लगाया है, पूरे मेकअप लगाया है, पूरे क्लोज पाउडर की ज़रूरत होगी या किसी पाउडर के जो आपके स्किन को केयर कर सके, तो आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके जो फेस है वो अच्छा दिखे, आपके जो मेकअप है अच्छे से सेट हो जाए। तो ये काफ़ी अच्छा पाउडर है। आप जानते हैं इसके यूज़ के बारे में, कैसे आपको यूज़ करना है। फ्रेंड जैसे कि आप अपने फेस को क्लीन कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद जब आप डेली कोई भी क्रीम जैसा लगाते हैं आप उसको लगा लेंगे, उसके बाद इस पाउडर को अपने फेस पे लगा लेंगे कि जो फेस है चिपचिपा ना लगे, क्योंकि क्रीम लगाने के बाद फेस थोड़ा सा चिपचिपा जैसा लगता है, तो ये अच्छे से अपने फेस पर लगाएंगे तो काफ़ी फेस सूखा लगे, या ना ज़्यादा गीला लगे, ना ज़्यादा सूखा, मतलब अच्छा लगेगा। या अपने फेस पर लगा सकते हैं, अपने मेकअप को सेट करने के लिए इसका अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करना चाहते या आपके पास कोई कॉम्पैक्ट नहीं है, उधर आप अपने फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं पूरे मेकअप को सेट करने के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही बेल आइकन कर दे प्रेस। फ्रेंड्स आपकी हेल्प से मैं बहुत अच्छा सक्सेस ये हो रही हूँ, आपकी हेल्प से मेरी वीडियो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे व्यू और सब्सक्राइब मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी टाइमिंग हो रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहे हमेशा की तरह से। थैंक यू गाइस, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।